सेड ही थॉट इट वुड बी अ हम्पी. ही सेड ही न्यू द सॉर्ट ऑफ प्लेस आई मेंट वेयर एवरीबडी वेंट टू बेड एट 8 o'clock. नो सेड हैरिस, इफ यू वॉन्ट रेस्ट एंड चेंज यू कॉन्ट बीट अ सी ट्रिप. आई ऑब्जेक्टेड टू द सी ट्रिप स्ट्रांगली. अ सी ट्रिप डज यू गुड वेन यू आर गोइंग टू हैव अ कपल ऑफ मंथ्स ऑफ इट, बट फॉर अ वीक इट इज़ विकेड. तो अब जो है वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने एक ऐसी जगह पे जाना है जो हम पे बहुत शांति हो, वो पीसफुल महसूस करें, ऐसी जगह पे जाना है. ठीक है, तो वहाँ पर वो डिसाइड करते हैं. पहले तो वहाँ पे सजेशंस आते हैं कि क्यों ना सी ट्रिप पे जाया जाए. लेकिन जो जेरोम है वो हैरिस वहाँ पे ऑफर करते हैं, लेकिन जेरोम जो है वो इसके अगेंस्ट हैं. वो स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं दैट ही डोंट वॉन्ट टू गो ऑन द सी ट्रिप, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए एंड दे डोंट हैव मच टाइम फॉर इट. ओके, तो उन्होंने कुछ डेज़ की छुट्टियाँ बिताने के लिए ही जाना है, तो इसलिए उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है सी ट्रिप करने के लिए. ओके फाइन, सो कम टू द नेक्स्ट पेज 55. हेयर दे डिस्कस देर एक्सपीरियंस ऑफ वट दे हैड हर्ड फ्रॉम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हु हैड टेकन सच perilous journeys and the disastrous effects of seasickness they had encountered. Apart from being seasick, they had also lost money on food for which they had paid upfront. अब यहाँ पे वो discussion भी करते हैं कि sea trip के क्या benefits नहीं हैं. ठीक है, कि किस तरीके से उनके कुछ relatives और friends ऐसे ही sea trip पे गए थे और उनको बहुत problems face करनी पड़ी. ठीक है, तो वो एक तरह से disastrous effects थे उसके, और जो है किस तरीके से वो बीमार भी हुए और किस तरीके से उन्होंने बहुत सारा जो मनी था, ठीक है, फूड के ऊपर, वो भी उनका जो है वो वेस्ट हो जाता है. तो वो सारा का सारा जो है वो सी ट्रिप के जो भी डिसएडवांटेजेस थे, दे वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दैट. सो आई मेट माई फेस अगेंस्ट द सी ट्रिप, जॉर्ज सेड लेट्स गो अप द रिवर. तो अब उन्होंने डिसाइड किया है कि ओके फाइन, तो चलो रिवर पे चलते हैं. ही सेड वी शुड हैव फ्रेश एयर. फ्रेश एयर भी मिलेगी, एक्सरसाइज एंड क्वाइट पीसफुल भी होगा. द कॉन्स्टेंट चेंज ऑफ सीन वुड ऑक्यूपाई आवर माइंड्स. तो हम जहाँ जो वहाँ के सीन्स होंगे, कॉन्स्टेंट चेंजेस होंगे जो सीन्स में, उससे भी हमारा माइंड जो है वो हैप्पी होगा और उसमें लगेगा. एंड द हार्ड वर्क वुड गिव अस अ गुड एपिटाइट एंड मेक अस स्लीप वेल. और जब हम वहाँ पे जाके मेहनत करेंगे, कैंपिंग करेंगे, ठीक है, तो उससे हमें भूख भी लगेगी और हम अच्छे से सो भी पाएंगे. अब सोने से रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा डिस्कशन है. ठीक है, हैरिस एंड जेरोम दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ मच जॉर्ज स्लीप्स, है ना. तो जॉर्ज को बहुत ज़्यादा सोने की आदत है, तो वहाँ पे इस पैराग्राफ में ये पूरी डिस्कशन दी हुई है कि किस तरीके से जॉर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा स्लीपी है. ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम जो है वो उसको पसंद है कि वो सोए. तो इस तरीके से अगर वो ज़्यादातर टाइम सोया रहेगा इस तरीके से रिवर जर्नी पर, तो क्या होगा, तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है उनके जो भी लॉजिंग्स हैं बोर्ड की सेफ्टी की. ठीक है, हैरिस सेड हाउएवर दैट द रिवर वुड सूट हिम टू अ टी, मींस इट इज़ जस्ट राइट. आई डोंट नो व्हाट अ टी इज, इट सूटेड मी टू अ टी टू. एंड हैरिस एंड आई बोथ सेड इट वाज अ गुड आइडिया ऑफ जॉर्ज एंड वी सेड इट इन अ टोन दैट सीम्ड टू समहाउ इम्प्लाई दैट वी वर सरप्राइज्ड दैट जॉर्ज शुड हैव कम आउट सो सेंसिबल. अब यहाँ पे किया है क्योंकि जॉर्ज ने ये आइडिया दिया था कि उनको एक सी ट्रिप पे जाना चाहिए. ठीक है, तो वहाँ पर वो ये आइडिया जो है वो तीनों को ही पसंद आ जाता है एंड दे नाउ डिसाइडेड दैट दे विल गो टू अ रिवर जर्नी. द ओनली वन हु वॉज नॉट स्ट्रक विद द सजेशन वॉज मॉन्टमोरेंसी. ही नेवर डिड केयर फॉर द रिवर डिड मॉन्टमोरेंसी. तो मॉन्टमोरेंसी इज देयर पेट डॉग. तो वहाँ पे सिर्फ मॉन्टमोरेंसी ही जो है वो इस एक तरह से इस रिवर जर्नी से इतना ज़्यादा कोई हैप्पी नहीं था. इट्स ऑल वेरी वेल. तो यहाँ पे मॉन्टमोरेंसी क्या सोच रहा है उसको, उसके बारे में नरेटर ने थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन किया है, बताया है. इट्स ऑल वेरी वेल फॉर यू फेलोज, ही सेज, यू लाइक इट बट आई डोंट. देयर इज नथिंग फॉर मी टू डू. सीनरी इज नॉट माई लाइन. आई सी इफ आई विल सी इफ आई सी अ रैट यू वॉन्ट स्टॉप एंड इफ आई गो टू स्लीप यू गेट फूलिंग अबाउट
विद द बोट एंड स्लॉप मी ओवर बोट. तो जो डॉग है वो इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं है रिवर जर्नी को लेके. क्या बोल रहा है कि दिस नथिंग फॉर मी टू डू, सीनरी इज़ नॉट माई लाइन. ठीक है, सीनरी इज़ नॉट ऑफ माई टेस्ट, एंड इफ़ आई सी अ रैट यू वॉन्ट स्टॉप. तो इस तरीके से वहाँ पर मॉन्टमोरेंसी क्या सोच रहा है उस रिवर जर्नी को लेकर, वो वहाँ पर उसके व्यूज़ जो हैं वो जेरोम ने बताए हैं. वी पुल्ड आउट, वी वर 3-1 हाउएवर एंड द मोशन वॉज कैरीड. तो अब कौन कौन है, जॉर्ज हैरिस एंड जेरोम जो ये जर्नी करेंगे अलॉन्ग विद मॉन्टमोरेंसी. वी पुल्ड आउट द मैप्स एंड डिस्कस्ड प्लान्स. वी अरेंज टू स्टार्ट ऑन द फॉलोइंग सैटरडे फ्रॉम किंगस्टन. तो अब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि वो जर्नी जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि हैरिस और जेरोम जो है वो सैटरडे को ये जर्नी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम किंगस्टन. रिवर थेम्स की उन्होंने जर्नी करनी है. ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड्स जो है उनको ज्वाइन करेगा जॉर्ज. ओके, देन शुड वी कैंप आउट और स्लीप एट इन्स. तो वहाँ पे वो ये भी ये क्वेरी भी आती है कि क्या उन्होंने कैंपिंग करनी है या फिर उन्होंने होटल्स में रहना है. ठीक है, देन व्हाट हैपन, व्हाट दे डिसाइड. जॉर्ज एंड आई वर फॉर कैंपिंग आउट. वी सेड इट वुड बी सो वाइल्ड एंड फ्री, सो पेट्रियार्कल लाइक. ठीक है, तो अब यहाँ पे जॉर्ज एंड जेरोम क्या बोल रहे हैं कि जॉर्ज एंड आई वर फॉर कैंपिंग आउट. वी सेड इट वुड बी सो वाइल्ड कि मतलब कितना वाइल्ड होगा और मतलब कितना पेट्रियार्कल होगा. पेट्रियार्कल का क्या मीनिंग दिया हुआ है, गिविंग पावर टू मैन. ओके, कितना मैनली होगा. हैरिस सेड हाउ अबाउट व्हेन इट रेन्ड कि अगर बारिश होगी फिर क्या करेंगे. तो यहाँ पे लास्ट में यही डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या डिसाइड हुआ उनका कि अगर बारिश हुई तो वो लोग होटल में स्टे करेंगे, अदरवाइज दे विल डू द कैंपिंग आउटसाइड ओनली. ओके, सो मॉन्टमोरेंसी नाउ हेल्ड दिस कॉम्प्रोमाइज विद मच अप्रूवल. तो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ इन्होंने थोड़ा सा इसी तरीके से दिया हुआ है. नाउ दे देन मेड एलिबरेट प्लान्स अबाउट व्हाट दे वुड टेक विद देम ऑन द बोट, लेड टू अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड कॉमेडी. उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है पूरा प्लान करते हैं कि वो अपने साथ क्या क्या लेके जाएंगे, बोट पे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उनको इस रिवर जर्नी पे, तो वो किस तरीके से अपनी पैकिंग करते हैं वो बहुत ही ह्यूमरस वे में एक्सप्लेन किया है जेरोम ने. सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. सो इन दिस चैप्टर क्या दिया हुआ है, दीज थ्री फ्रेंड्स दे जस्ट डिसाइड द डेस्टिनेशन फॉर देयर जर्नी एंड व्हाट दे वर फीलिंग एंड व्हाई दे डिसाइड टू प्लान अ जर्नी. सो दैट्स ऑल अबाउट इज गिवन इन दिस चैप्टर. थैंक यू वेरी मच.